ठहरो। ये क्या कर रहे हो पुत्र? दुर्योधन का राज्याभिषेक किसकी अनुमति से कर रहे हो तुम? अनुमति? हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने वाले राजा क्या अनुमति लेकर निर्णय लेते हैं महाराज? मान रही है गांधार राज। मैं शांतनु पुत्र देवव्रत भीष्म, मैं सदैव हस्तिनापुर के राजा के आगे चलता हूं। ये मेरा प्रण है। धर्म के मार्ग पर मैं हस्तिनापुर के राजा के आगे चल उसका रक्षण करता हूं, और अधर्म के मार्ग पर मैं उसके सामने खड़ा होकर उसका विरोध करता हूं। इसीलिए मेरी अनुमति यहां अनिवार्य है। किंतु महामहिम, आप राजा के किसी भी कार्य को किस प्रकार रोक सकते हैं? आपने तो प्रण लिया है कि आप हस्तिनापुर के विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाएंगे। मेरा प्रण है हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्म और सामर्थ्य को एक करने का, और अधर्म को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा देखूंगा अवश्य अपने शस्त्र उठाऊंगा। इसमें मेरा प्रण नहीं टूटता है। किसी में सामर्थ्य है, किसी में सामर्थ्य है, जो मेरा प्रतिकार कर सके, जो मेरा प्रतिकार कर सके, जो मेरा प्रतिकार कर सके। क्षमा करें महामहिम भीष्म, किंतु यदि मुझे हस्तिनापुर के सिंहासन की ओर से आदेश दिया जाएगा तब मैं अवश्य अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करूंगा। ये तो नहीं जानता कि मैं अपने मित्र को विजय दिला पाऊंगा नहीं, किंतु उसके रक्षण हेतु मैं अपने प्राण भी न्योछावर करूंगा। धृतराष्ट्र, इस राज्याभिषेक से पूर्व अंगराज को आदेश दो ये अपने शस्त्र उठाए, और राजकुमार दुर्योधन भी ये जान ले जब अधर्म को रोकने का समय आता है देवव्रत भीष्म कितना भयानक युद्ध करता है। नहीं ताक्षी, नहीं, आपके अपमान का कोई आशय नहीं, किंतु ताक्षी, मैं अपने पुत्र को राज्य का भार देकर संन्यास ग्रहण करने की इच्छा रखता हूं। ताक्षी, अवश्य कर सकते हो, तुम कार्यकारी राजा हो और अपने पुत्र को कार्यकारी राजा बना सकते हो, किंतु अभिषेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं राज्य अभिषेक महामहिम? कोई तो कारण होगा। जब युवराज अभिषेक हो चुका है तो राज्य अभिषेक करने में क्या आपत्ति है? दुर्योधन के युवराज अभिषेक का कोई मूल्य नहीं है। कैसे मूल्य नहीं है पितामह? आप ही ने अनुमति दी थी मेरे अभिषेक की। किंतु पहला युवराज अभिषेक युधिष्ठिर का हुआ था। वारणावर्त में पांचों भाइयों की
मृत्यु हो चुकी है पितामह। जब पहला युवराज जीवित ही नहीं तो अवश्य मेरा युवराज होना स्वयं सिद्ध है। पहला युवराज अभी जीवित है। आप यथार्थ कह रहे हैं ताशी, पांडु के पुत्र जीवित हैं? पांचाल की पुत्री का स्वयंवर दुर्योधन तुमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। इतनी कठिन प्रतियोगिता थी और उस प्रतियोगिता को जीतने वाला क्या कोई साधारण ब्राह्मण हो सकता है? वो अवश्य ही अर्जुन था। और यदि अर्जुन जीवित है तो युधिष्ठिर भी जीवित है। अब मानते हो धृतराष्ट्र, दुर्योधन का राज्याभिषेक अधर्म है। अब यदि युधिष्ठिर जीवित है तो अवश्य ही दुर्योधन का राज्य अभिषेक नहीं किया जा सकता। यहाँ पर मामा शकुनी ने जो चाल रची थी कि भीष्म पितामह आए उससे पहले ही दुर्योधन का राज्य अभिषेक हो जाए, लेकिन भीष्म पितामह आ गए और ऐसा नहीं हुआ, यानी कि उनकी जो चाल थी वो विफल रही। और यहाँ पर जब मामा शकुनी भीष्म पितामह को कहते हैं कि क्या आप हस्तिनापुर के विरुद्ध जाओगे, हस्तिनापुर के सामने अपने शस्त्र उठाओगे, आपने तो प्रण लिया है कि आप तो ऐसा नहीं कर सकते, आपने प्रण लिया है आप शस्त्र नहीं उठाओगे, तब भीष्म पितामह कहते कि हस्तिनापुर के जो सिंहासन है उस पर धर्म और सामर्थ्य दोनों रहे, तब तक मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अधर्म देखूंगा तो मैं जरूर शस्त्र उठाऊंगा और उसमें मेरा जो प्रण है वो नहीं टूटता। और बाद में उन्होंने ये कहा कि युधिष्ठिर जिंदा है और वो जिंदा है इसीलिए दुर्योधन का राज्याभिषेक नहीं हो सकता, और उन्होंने ऐसा करके जो युधिष्ठिर का राज्याभिषेक था वो रोक लिया। और महामहिम भीष्म ने पहले से ही महामंत्री विदुर को कांपिल्य भेजा है पांडवों को वापस लाने के लिए, क्योंकि उनको पता चल गया था कि जो स्वयंवर में जो प्रतियोगिता थी वो अर्जुन के अलावा और कोई नहीं कर सकता, उसे अर्जुन के अलावा और कोई नहीं जीत सकता, तो इसलिए उन्होंने महामंत्री विदुर को भेजा था। और जब तक वो उन पांडवों को लेकर नहीं आते तब तक वो ये सिंहासन है उसकी रक्षा करके रखते, कोई अधर्मी ना बैठ जाए, दुर्योधन जैसा अधर्मी ना बैठ जाए, क्योंकि उनका जो प्रण था धर्म और सामर्थ्य बैठे, और वो प्रण तभी बना रहेगा जब युधिष्ठिर बैठेगा सिंहासन पर। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।